अगर तुम मेरी नहीं हुई ना और तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं अपनी नस काट लूंगा। रात के 4 बज रहे हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी मैं पबजी की वीडियो बना रहा था यार, बहुत मुश्किल होती है उसकी भी वीडियो बनाना, पूरा अपने एक फेस कैम लगाओ और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो और एडिट भी बहुत मुश्किल होगी। तो मुझे वैसे तो कुछ बनाना आता नहीं है खाने का, सिर्फ एक ही चीज़ बनानी आती है अच्छे से और वो है, अभी मैं देखूंगा क्या रखा हुआ है फिर बनाऊंगा। थोड़ी देर बाद सुबह ही हो जाएगी और फिर मैं बाहर जाके कुछ नाश्ता वगैरह ले आऊँगा। तो चलो कुछ ना कुछ होना तो चाहिए। ये मैगी है लेकिन मैं मैगी खाऊंगा नहीं, जब भूख लगती है तो मैगी से कुछ भी नहीं होता, मैगी होता भी लिक्विड है। अभी बहुत भूख लग रही है। अब खुल जा यार, क्या छुरी है। ओ एक मिनट ले लो। दो बना रहा, तुम खाओगे? ये बनाने जा रहे हैं। ये है कॉफी बनाना सीखो। अबे चल जा, चूल्हा तो जल नहीं रहा, कॉफी बनाना सिखाओ। नहीं नहीं, कॉफी कौन सी कॉफी है वो जो अरबी बना रहे? डालगोना कॉफी। आज मैं उससे भी अच्छी कॉफी बनाना सिखाऊंगा। आजकल वैसे ही हर कोई ना शेफ बना हुआ, इंस्टाग्राम पे हर कोई स्टोरीज वगैरह डाल रहा है, तो मैं भी बनाऊंगा। तो भूल जाओगे मेरी कॉफी कहाँ गई? उसमें रखी है। किसमें? पूरा एक बड़ा सा चोर इधर लाओ, छोड़ के बच्चे सारे जी रखते कहीं हो, फिर नाम किसी और। ये इतना ज्यादा नहीं लेते। चुप, पानी किया सही है, कॉफी ली, बीमार पड़ने वाले हो वीडियो के लिए जो कर रहे हो ना, बहुत गंदी अभी कुल्ली करने वाले बर्दाश्त किया हुआ है। बस ये पी तो ली मैंने, लेकिन अब दाने निकल कर आने वाले। हर कोई शेफ बना हुआ डालगोना कॉफी, ये भी मेरी स्टाइल की कॉफी, ट्राई करना। भाई जला मत दे। अभी हमारा खाना तैयार हो रहा है, कैसा शेफ लगा मैं कमेंट करके बताना, कैसा शेफ हूँ मैं। देखो ऐसे शेफ हो, कैसा शेफ हूँ ऐसे। क्या यार शर्ट पर चाय गिरी थी नीचे। आपने फिर से कॉमेडी ऐसे वो तेल में बनाते हैं लोग, मैं बॉयल कर रहा हूँ। कट लगाते हैं इसको, ढकते हैं उसकी। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना और तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं अपनी नस काट लूंगा। ओ कैसा जाली एक्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सॉसेजेस तैयार है, जगह पे रखा करो सामान। यार तुम बाप नहीं बनो मेरे यार, थोड़े थोड़े कुछ नहीं करने ना कच्चे यार, कर लो नरम नरम बना लो। हाँ मुझे तो सब काम हो गया, नाश्ता भी कर लिया और मैं बाल भी कटवा लिया। और कौन लोग कहते हैं यार कि पुलिस वाले बहुत बुरे लोग होते हैं, मार रहे हैं लोगों को और ये सब कर रहे हैं, उनसे बात तो करके देखो बहुत अच्छे लोग होते हैं। और बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना। गालिब फिल्म देखी आपने? मैं नहीं बताऊंगा।
यार तो कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो गए, मुझे 100 सब्सक्राइबर पे यकीन नहीं आ रहा था। और 5000 बहुत बड़ी बात होती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ना आज तक ज़िंदगी में किसी से नहीं बोला कि मुझे शाउट आउट दे दो और ये कर दो वो कर दो। और मेरे से भी पहले से काफ़ी सारे लोगों के चैनल हैं जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और हर किसी से शाउट आउट मांग रहे होते, लेकिन नहीं। और ना ही तो किसी को व्हाट्सएप पर मैंने अपनी वीडियोज़ वगैरह भेजी ताकि व्यूज़ बढ़ें, तो इस बात की बहुत खुशी है। और मेरा एक इस चैनल पे 5000 होने वाले, 5000 नहीं शायद ज़्यादा भी हो गए, मैंने चेक नहीं किया अभी। और बाकी दूसरा जो चैनल है मेरा, एक और चैनल है सीक्रेट चैनल, ढूंढना मत मेरे नाम से नहीं है, उस पर अपनी पसंद का कंटेंट डालता हूँ, वहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं मेरे। तो बहुत से लोग ना मुझे बोल रहे हैं कि यूट्यूब वाली वीडियो कब डालोगे, वो वीडियो मैं कब की बना भी चुका हूँ, उसको प्रैंक कॉल भी कर ली, और कोई इतना आला प्रैंक कॉल हुई है ना उससे, क्या कुछ नहीं करवाया मैंने प्रैंक कॉल पे। और थोड़ी बहुत वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, लेकिन जो कॉल मैं उससे करवाया ना, कुछ अगर यकीन नहीं आ रहा ना, रुको मैं दिखाता हूँ, लग रहा है मैं पागल बना रहा हूँ ना, मैंने उससे कॉल की थी लेकिन ये ऑफलाइन जा रहा है, अब इसको मोबाइल पे कॉल करी। हेलो जी, आपका नाम क्या, नाम बताओ, क्या काम करते हो, जल्दी बोलो यार। ना मुझे इतना पक्का है कि ना वो वीडियो ना अच्छी जाएगी, काफी हिट होगी, लेकिन यार मैं किसी और का नाम यूज करके ना व्यूज नहीं लेना चाह रहा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना चाह रहा, और उससे क्या कुछ नहीं करवाया यार मैंने, लेकिन यार मुझे अच्छा नहीं लगा किसी और का मजाक उड़ा के मैं अपने व्यूज लूँ और ये सब। उसने भी बोला कि मत डालना, कि लोग मेरे बारे में फिर क्या सोचेंगे, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, तो वीडियो नहीं डालूंगा अब मैं, चाहे कितने भी व्यूज आ जाएं, कोई कितना भी बोल ले, वो वीडियो मैं नहीं डालने वाला। तो 5000 सब्सक्राइबर भी हो गए, मुझे याद है मैंने बोला था कि उसके बाद हम लोग ना हॉरर शो टाइप करेंगे कुछ, तो अगर किसी के साथ कोई वाकया या कोई ऐसी चीज़ है जो शेयर करना चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे बताएं, फिर उसके साथ मैं कुछ, बस मुझे इंस्टाग्राम पे ना DM करें, फिर मैं उसका कुछ करूँगा। और नई वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली, इसी हफ्ते आएगी या कल परसों भी आ जाए इंशाल्लाह। ये तो ऐसी नॉर्मल सी स्टोरी बनाई थी मैंने, उसकी वीडियो बना ली और डाल दी, और बस इतना ही थी ये वीडियो, और काफ़ी लंबी हो गई है। और अल्लाह हाफिज़।